हेलो गाइस, मैं हूं सनी। आप देख रहे हैं मोडो फिलो। फाइनली गाइस, जो है टाटा पंच का एक डिटेल इंटीरियर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। कोई एनिमेशन नहीं है, कोई एडवर्टाइज नहीं है, बिल्कुल क्लियरली आप अच्छे से देख पाएंगे कि कहां क्या पोजीशन है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं की दिखा देता हूँ। की देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो है टाटा नेक्सॉन जैसी मिलने वाली है। और ये की जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है। वीडियो का एंड में देखिएगा, मैं इसको जो है आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट की जो है टाटा पंच में भी देखने को मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं चलिए इंटीरियर से। तो ये डोर अपन ने ओपन किया, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे जो इसकी एसी वेंट्स है ना, इससे पहले जो है ब्लू वगैरह कलर्स में दिख रहे थे, जो कि बिल्कुल भी जो है अच्छे नहीं लग रहे थे। कलर्स ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे। फर्स्ट टाइम जो है आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल है, सिल्वर कलर के जो आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब उसके ऊपर जो गार्निश मिलती है वो सिल्वर कलर में मिलती है, और ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। सेकंड थिंग जो आपको सबसे अच्छी लगेगी वो है वाइट फिनिश, आपको डोर से लेके फ्रंट डैशबोर्ड तक जो पूरी वाइट फिनिश देखने को मिलती है। अब इसका एक जो है टेक्निकल नेम भी होगा जो टाटा आपको बता देगा लॉन्च पे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज देखिए एक वाइट से मिलता जुलता आपको जो है कलर इसमें देखने को मिलता है। देन मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो आपने नोटिस किया कि नहीं, जो आप देखेंगे डोर्स हैं बिल्कुल फ्लैट डोर्स दिख रहे हैं, मतलब जहां आप बैठेंगे तो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, मतलब आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। इंटीरियर में वाइट यूज़ हुआ है तो काफ़ी एरिया आपको फील हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप नोटिस करेंगे डोर। तो डोर में गाइस मैं जो सबसे पहले नोटिस करता हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए होता है स्पेस एक आध बॉटल रखने का, जो कि सिमिलरली जैसे अल्ट्रॉस में मिलता है, नेक्सॉन मिलता है, यहाँ भी आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर जो है स्पेस दिख रहा है। आराम से आप जो है मेरे को लगता है 1 लीटर बॉटल इसमें होल्ड कर पाएंगे। और यहाँ भी आपको वाइट फिनिश मिल जाती है, देन जो है कॉइन होल्डर मिल जाता है, और डोर हैंडल भी सिल्वर कलर में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं अंदर, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील गाइस देखिए फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। ये स्टीयरिंग व्हील आप बहुत देख चुके हैं जब से टाटा ने ये लाया है, तो टियागो से लेके अल्ट्रॉस से लेके नेक्सॉन सभी में आपको यही स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि काफ़ी तगड़ी ग्रिप इसमें आपको मिल जाती है। तो ये हो गया गाइस स्टीयरिंग व्हील। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल्स की बटन्स दिख रही है, स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स दिख रहा है। डिटेल में देखें नीचे तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है, क्योंकि इसमें जो है क्लच नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे गाइस स्टार्ट स्टॉप की बटन मिल जाती है, इकोनॉमी और सिटी मोड मिल जाता है, और लाइट्स की सेटिंग वगैरह मिल जाती है, मतलब आपको जो है स्पोर्ट्स मोड इसमें नहीं मिलेगा, इकोनॉमी और सिटी मोड आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है, मतलब लेफ्ट साइड आपको डिजिटल है, राइट साइड में एनालॉग जो है स्पीडोमीटर दिख जाएगा, जिसमें आपको स्पीड वगैरह देखने को मिल जाएगी। और ये जो है डिजिटल क्लस्टर ये भी काफ़ी जो है बढ़िया जो है आपको एनिमेशन देता है टॉर्क और पावर का, तो ये भी आपको जो है मैं डिटेल में दिखा दूंगा, ये आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन डोर्स के, पावर विंडोज के स्विचेस, और इसमें आप कैसे क्या कंट्रोल करते हैं। तो देखिए ORVMs के कंट्रोल यहाँ पे दिख रहे हैं, नेक्सॉन में जो है ऊपर पोजीशन होते हैं, यहाँ पर जो आपको डोर्स पे मिल रहे हैं, और पावर विंडो के स्विचेस में आपको वन टच भी दिख रहा है, मतलब वन टच प्रेस करेंगे तो जो आपका ड्राइवर साइड विंडो होगा एक टच पे ही जो है डाउन हो जाएगा। तो ये स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो है विंडोज़ को लॉक करने का भी स्विचेस दिख जाते हैं। अब स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह मैंने आपको बता दी, इकोनॉमी मोड मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स मोड इसमें अवेलेबल नहीं है। मेरे को लग ही रहा था 1.2 लीटर का इंजन है, जो भी आता है उसमें आपको जो है स्पोर्ट्स मोड वगैरह नहीं मिलता है। अब गाइस डैशबोर्ड की फिनिश आप देखेंगे तो डैशबोर्ड काफ़ी तगड़ा लग रहा है, और जो इसकी फिनिश देखने को मिल रही है काफ़ी तगड़ी है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लग रही है पंच में, बिल्कुल फ्लैट है, तो मतलब बिल्कुल आपको SUV वाला फील मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट है। ट्विटर्स आपको जो देखे ए पिलर पे दिख रहे हैं। टच स्क्रीन की क्या बात करें, सभी ने यूज़ किया है, मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, बहुत तगड़ा काम करते हैं। तो इसमें आपको जो है हरमन गार्डन्स का जो है साउंड सिस्टम मिल जाता है, और बहुत तगड़ा काम करता है। जो टच स्क्रीन देखिए इतना स्मूथ नहीं है, साइज़ भी इसका 7 इंचेस का रहता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा गिमिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको जो इसमें टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप नियर बाय भी देखें तो काफ़ी अच्छी फिनिश देखने को मिल जाती है। ऑटो क्लाइमेट में मेरे को एक नई चीज़ लगी कि थोड़ा सा चेंज कर दिया ने स्टाइल। ऑटो क्लाइमेट में आपको देखिए डीफॉगर दिख जा रहा है, फ्रंट रियर एसी कंट्रोल्स जैसे ऑटो क्लाइमेट में आपको सब मिल जाते हैं, फैन स्पीड कंट्रोल ये सब मिल जाता है। उससे नीचे आप देखेंगे तो USB कंट्रोल आपको मिल जाएगा, ऑक्स कंट्रोल आपको मिल जाएगा, और चार्जिंग सॉकेट जो है देखने को मिल जाता है। और टाटा की नेक्सॉन की तरह इसकी पोजीशन भी मेरे को लगता है कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे कीज़ की पोजीशन है। यहाँ पे क्या होता है कि की का एक मार्क बना होता है टाटा की कार्स में, तो की आप वहाँ रखते हैं तो उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है।
उसके बाद आप देखेंगे पीछे आपको गियर लीवर्स देखने को मिल जाता है, तो वही है 5 स्पीड का आपको जो है ट्रांसमिशन मिलेगा, 1.2 लीटर वाला इंजन है, तो सिमिलरली टियागो अल्ट्रासम में वो 5 स्पीड का जो है ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। अब स्टेयरिंग माउंटेड बटन से यहाँ से आप कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हैं। बीच में बटन्स आती थी पहले टाटा की कार्स में, अब जो रिप्लेस हो गई, तो ऑलमोस्ट जो है टच और स्टेयरिंग माउंटेड बटन्स पे जो है अब कार्स डिपेंड है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो हमेशा की तरह टाटा के बड़े बड़े ग्लव बॉक्स जो है आपको पंच में भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ लाइट भी मिल जाता है, ट्रे भी मेरे को दिख गई है और स्पेस बहुत बड़ा है और चिलर की पोजीशन में दिख रही है, मतलब चिल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलने वाला है। अब यहाँ आप नोटिस करेंगे गियर के पीछे आर्मरेस्ट आपको विजिबल नहीं है, सीधे हैंड ब्रेक की माउंटिंग दिखती है और 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल फिनिश की बात करें फ्रंट में तो काफ़ी तगड़ी लग रही है, अभी तक ऐसा कोई मिसमैच नहीं लग रहा है। जिस बजट की कार है आप जो जो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ही जो है आपको टाटा ऑफर कर रही है। अब चलते हैं गाइस रियर में, तो रियर में सबसे पहली चीज़ जो इसका डोर ओपनिंग है ये आपको ऊपर से मिलेगी, आपने स्विफ्ट में देखा होगा, अल्ट्रॉस में देखा, जो डोर ओपनिंग है रियर में, और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे सीधे 90 डिग्री ओपन हो गया, मतलब 90 डिग्री डोर्स भी आपको जो है अल्ट्रॉस की तरह मिलने वाले हैं और काफ़ी ईजी होता है इसके अंदर जाना। अल्ट्रॉस के 90 डोर्स मेरे को भी बहुत पसंद है, बस एक चीज़ है कि कहीं आप रोड्स पर अगर उतरते हैं तो आप पूरा ना ओपन कर दें, कोई सामने से ट्रैफिक हो रहा था उसके लिए रिस्की हो सकता है, अदरवाइज़ ये बहुत तगड़ा जो है फीचर लगता है मेरे को ये टाटा का कि 90 डिग्री ओपन हो जाता है। रियर में भी आपको जो है 1 लीटर बॉटल होल्डर आई थिंक ये कैरी कर लेगी, हाफ लीटर तो कर ही लेगी, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो है वाइट कलर के जो है ना फिनिश मिल जाती है। अब इंटीरियर में आते हैं, स्पेस काफ़ी रूमी लग रहा है, मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जो है स्पेस की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप इसका साइज़ देख चुके हैं, मैं बहुत क्लियरली मैंशन कर चुका हूं, तो वही आपको तगड़ा स्पेस मिलने वाला। अब रियर में आते हैं तो बड़ी सी जो है बूट स्पेस आपको मिलने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा स्पेस देगी, 366 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देगी, शॉकॉक्स के आपको जो है यहाँ पे पोजीशनिंग दिख जाएगी। स्टेपनी अपन ओपन करते हैं तो सिमिलर स्टेपनी जो है नेक्सॉन में भी आती है, यही वाला सिस्टम पूरा जो आता है, जैक की पोजीशन भी ऐसी होती है और ये बहुत ही तगड़ा सिस्टम मेरे को टाटा का लगता है, बिल्कुल भी जो आपको नॉइस नहीं आता इससे केबिन में, ये बहुत ही बढ़िया मेरे को जो है लॉकिंग इसका मैकेनिज्म लग जाता है। ट्रे आपको दिख जाती है, ट्रे की भी क्लिप्स की एक थिंग हैक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब टाटा कार्स यूज़ करने से ये तो फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ सिमिलर मिलती है, तो मेरे को थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग चुका है। तो ये था गाइस एक डिटेल इंटीरियर वॉक अराउंड था, होप आपको पसंद आया हो, और कीज़ का फीचर है तो वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, और बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, बाय बाय। पहले देख लेते हैं की के की फीचर्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है ऑब्वियसली लॉक है या अनलॉक है, इससे आप बूट कर सकते हैं ओपन, और ये जो है इससे जो है आप इसके लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ये देखिए ये लाइट्स ऑन हो गए टाटा नेक्सॉन के, और ये जो बटन है आप देखिए नाइट में पार्किंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या कहीं नाइट में आपको जो विजिबिलिटी नहीं आती तो जहाँ तक इसकी रेंज है की आप उसको इससे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है मैं आपको थोड़े से जो इसके अलग फीचर्स जो हिडन फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए जो अनलॉक बटन है और लॉक बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो एक अलार्म होगा, तो अगर आप कहीं पार्किंग में है मॉल्स वगैरह में तो अगर आपको गाड़ी नहीं मिल रही तो ये बटन दोनों को आपको अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस टाइप का जो है अलार्म ये बजने लगेगा। अब इसको आपको बंद करना है तो अब या तो अनलॉक कर दीजिए या तो लॉक करिए, अगर आप दूर हैं तो लॉक प्रेस कर दीजिए, अगर आप पास में है ओपन करना चाहते हैं तो अनलॉक प्रेस कर लीजिए। तो ये तो गाइस हो गए की के कुछ फीचर्स। अब इसके नीचे आप देखेंगे ये जो है आपको बटन मिल जाता है, तो ये बटन किस लिए, अगर आप इसको प्रेस करते हैं और यहाँ से जो अगर आप की ओपन करते हैं तो इस प्रकार से देखिए ये ऐसी जो है इसकी की आ जाती है, तो ये एक इमरजेंसी की है जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है सेंट्रल लॉकिंग में, और यहाँ पे जो है इसकी आपको की मिल जाएगी। तो ये हो गया गाइस की के की फीचर्स, और चलिए आप आगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, बाय बाय।